हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन इन सीरीज का एरिथमेटिक मींस का एग्जांपल, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट है एरिथमेटिक का, एंडिंग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया, फाइंड फिफ्थ एरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 9, ठीक है। अगर मेरा 29th एरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन देम, ठीक है, मेरे पास दो नंबर दिया है 3 and 9, तो 3 क्या, व्हाट इज 3? 3 इज नथिंग बट स्मॉल a, व्हाट इज 9? 9 इज नथिंग बट स्मॉल b, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स के a, मतलब a एंड b के बीच में कितना हम लोग को एरिथमेटिक मीन दिया है, 29 दिया है, ठीक है, 29। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं कैसे, मैं इसको पहले हम लोग पहले क्या लिखते हैं, हाँ, तो इसमें मुझे देखो, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं a, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल a1, a2, और ये कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा, ये मेरा ऐसे डॉट 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 a ऑफ 29 तक जाएगा, ठीक है, कमा बी। ये रहा हम लोग का ए, ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ए मेरा फर्स्ट टर्म है, ए वन क्या मेरा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ए ऑफ फोर क्या फिफ्थ टर्म है, और ए ऑफ फाइव क्या मेरा सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। तो हम लोग को फिफ्थ एरिथमेटिक मीन पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग ने एरिथमेटिक मीन में क्या पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस मतलब मेरा डी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है मेरा, तो पहले यहाँ पे ये देखते हैं, ए क्या है, ए मेरा 3 है, और ये बी क्या है, बी मेरा 9 है, और मुझे यहाँ पे मुझे फिफ्थ एम चाहिए, फिफ्थ एम मतलब ए ऑफ फाइव मेरे को कैलकुलेट करना है, जो फिफ्थ ए ऑफ फाइव है ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डी क्या है, व्हाट इज स्मॉल डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, तो व्हाट इज बी, बी यहाँ पे क्या मेरे पास 9 है, ए क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, व्हाट इज एन, मेरा एन का क्या है, एन इज नथिंग बट 29, एन मेरा 29 है, तो मैं यहाँ पे 29 प्लस वन क्या होगा 30, तो इट इज नथिंग बट 6/30, दैट इज 1/5, तो मुझे स्मॉल डी मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब मुझे क्या निकालना, फिफ्थ ए एम मतलब क्या होगा, ए ऑफ फाइव, इट इज नथिंग बट क्या है, ए ऑफ फाइव कैसे निकालते हैं हम लोग, a ऑफ i कैसे निकालते हैं, यहाँ पे a प्लस n इंटू डी, तो यहाँ पे क्या है मेरा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है यहाँ पे, और n क्या मेरा, n यहाँ पे a ऑफ सॉरी n मेरा यहाँ पे 5 है ना, a ऑफ 5 मुझे निकालना है, क्योंकि फिफ्थ a मुझे पूछा है, तो 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे मेरा n का वैल्यू 5 है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1/5 है, क्योंकि अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया 1/5, तो यहाँ पे अगर ये 5 और 5 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा a ऑफ 5 इट इज इक्वल टू 3 + 1, दैट इज 4, तो फिफ्थ एम क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, यस। आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कुछ नोट देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नोट दिया मुझे, इसमें नोट दिया है सम ऑफ 2 AP, मेरे पास सम ऑफ 2 AP विल बी एन AP विथ कॉमन डिफरेंस d1 + d2, इसका मतलब क्या है, कोई भी दो AP मेरा एक AP ही बनने वाला है, कोई भी दो AP मेरा AP ही बनने वाला है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, एडिशन होगा d1 + d2 होगा,
मतलब ये एक कॉमन डिफरेंस डी वन है और ये दूसरा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी टू है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट्स क्या दिया है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है हमको, दिया है यहाँ पे इफ के इज एडेड, इफ के इज एडेड अगर एक के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, उसको मैंने ऐड किया कोई भी एपी में, अगर मैंने इफ के इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन रिजल्टिंग सीरीज विल बी एन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। अगर के कोई भी एक कांस्टेंट है जो कि कोई भी टर्म्स के साथ वो ऐड हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक सीरीज बनता है एपी का जिसका कि सेम कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट यही लिखा, इफ के इज एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ एन एपी देन रिजल्टिंग सीरीज विल बी इन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। यहां पे थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, इफ के इज मल्टीप्लाइड, अगर के को मैंने मल्टीप्लाई किया, कोई भी के को मैंने मल्टीप्लाई किया एपी का कोई भी टर्म्स के साथ, एपी एक एपी दिया है उसका कोई भी टर्म्स के साथ अगर मैंने कोई के मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टिंग सीरीज विल बी एन एपी एंड न्यू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू के, एंड न्यू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू के इनटू ओल्ड कॉमन डिफरेंस। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, के इनटू ब्रैकेट में ओल्ड कॉमन डिफरेंस, अभी देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, लेट 1 अपॉन बी प्लस सी कमा 1 अपॉन सी प्लस ए कमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी देन प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा, अब ये दिया है मुझे, ये एक ए पी में है, तो हम लोग ए पी को कैसे करते हैं, 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। ये होगा, इस यहां से ये बनेगा मुझे। अब यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी प्लस सी होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ब्रैकेट में सी प्लस ए। अब यहाँ पे प्लस सी माइनस सी कैंसिल, और यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे देखो ये भी कैंसिल होगा, ये c प्लस ए है और यहाँ भी c प्लस ए, तो ये भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाय b प्लस सी, इट इज इक्वल टू c माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये हम लोग को मिला। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, तो दोनों को अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, b माइनस ए ब्रैकेट में a प्लस बी, इट इज इक्वल टू c माइनस बी, और यहाँ पे b प्लस सी, ये मिलेगा। अब यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, अभी इसको ये इट इज नथिंग बट व्हाट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये एक मेरा ए पी में है।
अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 7370 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सच दैट सम ऑफ दिस टर्म इज मैक्सिमम, सम ऑफ दिस टर्म इज मैक्सिमम, इसको हम लोग को निकालना है। एक मिनट थोड़ा रफ कर लो, अभी ये क्वेश्चन ये दिया है क्या मुझे, मुझे टर्म्स निकालना है, हाउ फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी दिया मेरे को, बी टेकन सच दैट सम ऑफ दिस टर्म इज मैक्सिमम, मतलब इन सब का अगर मैं सम कर लूँ तो मुझे एक मैक्सिमम टर्म्स मिलेगा। अभी ये क्या है, ये अगर देखोगे ना, ये मेरा क्या क्या 73, व्हाट इज 73, 73 इज नथिंग बट यहाँ पे मुझे A1 दिया है, ठीक है। नहीं, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्मॉल a निकालूंगा, यहाँ पे मुझे a निकालना है, तो 70 माइनस, ये 73 है और यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे 70 माइनस 73 करूंगा, दैट इज माइनस 3। ये क्या, व्हाट इज माइनस 3, माइनस 3 इज नथिंग बट मेरा कॉमन डिफरेंस है डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 3 है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा था, अगर मुझे टी एन है, व्हाट इज अ टी एन, टी एन इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो d की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिला, तो इट इज नथिंग बट a, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस एन इंटू डी, वॉट इज a, यहाँ पे a क्या है, a इज नथिंग बट यहाँ पे 76 है प्लस n, n यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है, d वॉट इज d, वो d इज नथिंग बट माइनस 3, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, टी एंथ टर्म, दैट इज टी एंथ, टी एंथ इज इक्वल टू 76 प्लस एन इंटू माइनस 3, इट इज नथिंग बट मुझे 76 माइनस एन डी मिलेगा, एन डी मतलब सॉरी डी माइनस 3 डी, 76 माइनस 3 डी मिलेगा, 76 माइनस 3 डी, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या निकालने का, मुझे देखो अभी जैसे ये सम को अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या बोला है, जैसे कि एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये 73 है, 70 है, और यहाँ पे मैं इसको कम करते जाऊँगा 69 68, ऐसे कम करते जाऊँगा तो मुझे एक जगह ऐसा टर्म्स मिलेगा जहाँ पे यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे जगह छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव टर्म, उसके बाद आगे नेगेटिव ही मिलते जाएगा मुझे, तो ये पॉजिटिव है, इसके पहले भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक और टर्म्स होगा, ठीक है, जिसको हम लोग इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो नंबर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम टर्म्स हम लोग उसको ले सकते हैं, ये वाले टर्म, मतलब ये पॉजिटिव और ये वाले टर्म्स के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी टर्म्स आएंगे ना वो हमारा क्या होगा, सम ऑफ दिस टर्म, जो मैक्सिमम टर्म रहेगा वो हमको मिलेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मुझे ये मिला 76 माइनस 3D, अगर इस क्वेश्चन हाँ, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी इज टेकन सच दैट सम ऑफ दिस टर्म इज मैक्सिमम। एक मिनट क्वेश्चन एक और बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ ये सॉरी यहाँ पे डी नहीं है, डी का तो वैल्यू हम लोग ने लिखा है, यहाँ पे एन होगा, 76 माइनस 3 एन होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, हम लोग को क्या मिला, टी एन इज इक्वल टू 76 माइनस 3 एन। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये जो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और इसके बीच में मुझे मैक्सिमम टर्म्स इसके बीच में ही मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव तो मेरे को छोटा नंबर देगा। तो यहाँ पे जो टी एन हो ना, टी एन यहाँ पे मुझे जीरो मिलेगा, ये वाला टर्म, ये वाला इधर, इसे हम टी एन बोलते हैं, ठीक है। तो टी एन इज नथिंग बट वॉट, यहाँ पे जीरो है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही जीरो होगा ना, किधर मेरा बीच में ही जीरो होगा। तो टी एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो लिया, तो जीरो इज इक्वल टू 76 माइनस 3n, 3n को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के तो 3n इट इज इक्वल टू 76, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 76 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, 3 टू जा 6, 1 बचा और 16, तो 3 5 15, तो 25 पॉइंट यहाँ पे 25 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आप एज्यूम करो। तो 25 पॉइंट समथिंग मुझे मालूम है, ये जो टर्म है ना, ये प्लस, मैंने क्या बोला, ये जो प्लस देख रहे हो ये वाला, ये मेरा यहाँ पे 26 होगा, 26 टर्म, और ये मुझे क्या, ये मेरा 25th है, और ये जो माइनस है ना, माइनस मेरा क्या होगा, 24th होगा, ठीक है, 24th टर्म। तो मेरा ये जो 26 है, 25th है ना, इसी के बीच में मेरा लाई करेगा 25 पॉइंट समथिंग, ये टर्म 25 पॉइंट समथिंग यहाँ पे मेरा लाई करेगा, पॉइंट समथिंग 25 और 26 के बीच में ही लाई करेगा ना, 25 पॉइंट समथिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 25 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर हम लोग को मालूम है, हम लोग को ये ही मिलेगा 25। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 25, सो ये इसका आंसर है। हम लोग ने सिर्फ एक जगह गलती किया था, यहाँ पे जो d लिखना था, ये चाहिए सॉरी यहाँ पे n लिखना था मुझे, तो यहाँ पे मैंने d लिख दिया था, एक जगह गलती किया था मैंने, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया, बस यहाँ पे tn की वैल्यू जीरो डालना है। जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही यहाँ पे मुझे वैल्यू जीरो मिलेगा। तो इसका आंसर है n इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया, ठीक है, ये वीडियोस, ठीक है। तो इस वीडियो को काफ़ी स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। तो वीडियोस को मैक्सिमम जिनको बेनिफिट होना चाहिए उनको हो, ठीक है, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और आगे और भी वीडियोस में पुट करूँगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शीट है ना, DPP शीट, इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और वहाँ से हम लोग मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।